1:10 अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी। और थोड़ा काम कर रही थी वीडियो का ही अपना, और अब इतनी नींद आ रही है वही भोर सुबह 3:45 बजे की उठी हुई थी। अब तो बैठा नहीं जा रहा है, एकदम आंखें ऐसे 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 हो रही हूँ। मैं एडिटिंग कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो एकदम आंखें झुकी जा रही है। सब अपनी जगह पे जा के लेट गए सोने के लिए, अब मैं भी जा रही हूँ। चलिए सोने जा रही हूँ अब, गुड नाइट, कल सुबह मिलूंगी आपसे। सो यहाँ 1:10 हो रहे थे रात के, और 12 बजे बच्चे सब लेकर गए थे केक, क्योंकि मम्मी का था बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो यहाँ रितेश, चिंकी, चीची सब केक लेके पहुँच गए थे, भैया भी हैं, और मेरी मम्मी 8:30 से 9 के बीच सो जाती हैं। बट चलिए, एक खुशी तो हुई ना मम्मी के चेहरे पे, कितनी अच्छी स्माइल है। तो बर्थडे मन गया मम्मी का, और 15 अगस्त इतने अच्छे दिन उनका बर्थडे पड़ता है, तो वही हम लोग बोलते हैं कि कोई क्या ही आपका बर्थडे मनाएगा, पूरा देश आपका बर्थडे मना रहा है। सो मम्मी ने केक कट कर लिया था, उसके बाद में फिर तकरीबन 12:30 बजे तक सारे बच्चे घर वापस आ गए थे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ रचना। आई अपलोड हेयर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माय लाइफस्टाइल टू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज। और आज दिन है बुधवार, और ये व्लॉग मंडे एंड ट्यूसडे का मिक्स व्लॉग है। सो रात तो काफ़ी हो ही गई थी, तो उसके बाद हम सभी सो गए थे, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ ट्यूसडे यानी कि मंगलवार की सुबह। तो योगा कर लिया था और सारा ही काम कर लिया था, क्लीनिंग एंड ऑल, और पक्षियों को दाना पानी भी डाल के आ गई थी। बस नहाने जाऊँगी, उससे पहले ही चिंकी ने मुझे बोला कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो आप मुझे नहाने जाने से पहले 2 सैंडविच दे दीजिए। तो बस ये प्याज खीरा टमाटर की एकदम नॉर्मल सी सैंडविच, उसको ये पसंद है, चीज़ भी नहीं लगाओ तो भी वो बहुत पसंद करता है। बट मेरे पास ये 2 स्लाइस ही चीज़ बची हुई थी, तो बस हल्का हल्का बटर लगा दिया था। प्याज खीरा टमाटर आप अपनी मनचाही कोई भी सब्जी इसमें लगा सकते हैं, लाइक शिमला मिर्ची जो होती है, इसमें आप कॉर्न भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो सिर्फ प्याज खीरा टमाटर ही लगाया है, और कोई ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स भी मैंने नहीं डाला है चीज़ डाल के। और ब्लैक पेपर पाउडर भी ख़त्म हो गया, हल्का हल्का स्प्रिंकल करके धनिया लगा दिया था, और बटर भी ख़त्म हो गया था। तो बस लगे हाथ इसको मैंने अभी ओवन में कर लिया था, जस्ट फॉर 12 to 13 सेकेंड, क्योंकि बिल्कुल फ्रिज का था ये। तो बस इसको डाल के रख दे रही हूँ, और छोटे पीसेस में करके रख दो ना, तो वैसे भी बहुत जल्दी नॉर्मल टेम्परेचर पर बटर आ जाता है। और इसमें ऊपर भी हल्का हल्का बटर लगा के मैंने, सैंडविच मेकर भी है मेरे पास, बट वही है कि तवा पे बहुत अच्छी खासी सिक जाती है, तो यहाँ लगा दिया है, और ऊपर भी हल्का सा एकदम बटर लगा दिया, बहुत कम मैंने लगाया बटर। और इसको पलट के और अच्छी तरीके से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है, और चीज़ इतनी बढ़िया मेल्ट होती है ना तवे पर, सैंडविच मेकर में भी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट तवे पर हम लोग ऐसे सेक के खाते हैं या बच्चे खाते हैं तो उनको ऐसी हैबिट है। तो मैं इसी से थोड़ा प्रेस कर देती हूँ प्लेट से, तो वो क्या है ना कि सैंडविच बना के जब कट करते हैं तो अलग अलग नहीं हो जाती है, जैसे खुल जाती है, वो इससे बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, क्योंकि इसमें चीज़ भी है तो वो चिपक जाती है, और चीज़ ना भी रहे ना तो इस तरीके से प्रेस कर दो तो चिपक जाती है। तो कितनी बढ़िया सिक गई थी सैंडविच, और बस इसको पीसेस करके और केचप के साथ में मैंने चिंकी को दे दिया था, तो वो खा के फिर उसके बाद में वो भी सो गया था। फिर उसका शाम से फिर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है,
तो बस मैंने बोला कि तू खा के सो जा, और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। और यहाँ नहाना मेरा हो गया है और बस अब जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ खिड़की खोल दी थी, उसके बाद सीधी गई हूँ मंदिर में और शिवलिंग को स्नान करा के और प्लांट्स में जो जल डालती हूँ डालने के बाद फिर की है मैंने आरती। देखिए ये वाला दुपट्टा तो आप पहचान गए होंगे, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे सूट हैं जिसमें ये दुपट्टा मैच कर जाता है, तो मैं ऐसी तरीके से पेयर करके पहन लेती हूँ। बट ये सूट आपने नहीं देखा होगा, और आपको पता है मैंने अपनी पूरी अलमारी जैसे सही करते हैं, तो जो जैसे पुराने कपड़े होते हैं जो हमको नहीं पहनने हैं, वो जैसे कुछ निकाले मैंने कपड़े, तो ये बिल्कुल नीचे तह बना के रखा हुआ था। और ये कम से कम कुछ नहीं तो 2 साल पुराना सूट है, तो मैं ले आई थी इसको, मेरे लोकल मार्केट से ही लिया था, तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम थी। उसके बाद पहना जब मैंने, तब मुझे पता चला कि हाँ, हाथ में नीचे के साइड से थोड़ा टाइट था, और ये जो पैंट है ये भी थाइस से थोड़ी सी टाइट थी मुझे। बट ये अब मुझे बिल्कुल अच्छे से आ गया सूट, यानी कि वेट लूज़ किया है मैंने काफ़ी, तो बड़ी खुशी भी हो रही थी कि चलो बहुत अच्छे से आ गया। और यहाँ पूजा करने के बाद मैं फिर क्षमा याचना करके और मैंने माथा टेक लिया है, और उसके बाद मैं पूरे ही घर में फिर मैंने धूप घुमा दी थी। और एस सच मैंने कुछ भी ऐसा बहुत कुछ बनाया नहीं मैंने, क्योंकि मंडे इतना सारा जो खाना बना था तो काफ़ी कुछ खाना बचा हुआ था, बट इतना भी नहीं बचा था कि सभी को हो जाए। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा सब थोड़ा वेज पुलाव ले लेंगे, और वेज पुलाव के नाम पे मैंने क्या बनाया था, प्याज मिर्ची टमाटर, मेरे पास एक ही टमाटर बचा हुआ था, बस उसी को डाल के जो पुलाव टाइप का बनाते वो बना लिया था। सब्जी के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो बस वही बना लिया था, उसके संग प्याज खीरा टमाटर का मैंने रायता बना लिया था। और यहाँ एक साइड में चाय चढ़ा दी थी और ये दूध एक्स्ट्रा गर्म करके रख दिया किसी को पीना हो तो। सो यहाँ चाय बन गई थी, तो फिर उसके बाद मैं चाय लेके फिर गई हूँ रूम में, नाश्ता किया मैंने, थोड़ी देर बैठी हूँ आराम से क्योंकि ऐसा कुछ बनाना नहीं था मुझे। फिर उसके बाद में काफ़ी देर के बाद में किचन में मैंने एंटर किया है और बनाया था वेज पुलाव। बना रही हूँ कढ़ैया में पुलाव, कोई सब्जी नहीं है, इतना सा मटर रखा हुआ है, एकदम इतना सा, वो भी शायद 10-12 पीस, तो वो भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। एक टमाटर है मेरे पास, तो प्याज मिर्ची अदरक लहसुन इसमें कर लिया है, चढ़ा रही हूँ, तो ये हो जाएगा। और धनिया भी नहीं है, बिल्कुल ख़त्म, कल जो डाला वो वैसे ही थोड़ा पीला पीला पड़ने लग गया था, तो मैंने थोड़ा यूज़ कर लिया ज़्यादा ज़्यादा। और प्याज खीरा टमाटर का रायता तो हो जाएगा, और काफ़ी कुछ खाना रखा है फ्रिज में, बट इतना रखा है कि सबको नहीं होगा, तो ये बना लेंगे। बादल गरज रहे हैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से, और यहाँ बस मैं बनाने ही लगी थी पुलाव के, इतनी ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहा था, फिर मैं बालकनी में आके मैंने देखा, क्योंकि मुझे लगानी थी मशीन, फिर अचानक से धूप निकल गई, तो इसी तरीके का मौसम चल रहा है। और अब मैं आपसे काफ़ी घंटे के बाद मिल रही हूँ, तो ये खाना आंचल के लिए लगा है, उसको वेज पुलाव नहीं खाना था, तो ये पालक कॉर्न की सब्जी और जो रायता बनाया था वो, और थोड़ा सा चावल, तो यही उसने लंच कर लिया था। और वेज पुलाव का तो मैं पिक भी नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि वो चटपट ख़त्म हो गया, बहुत ही कम बनाया था, बनाया तो बहुत बड़ी कढ़ाई में था, बट पूरा ख़त्म हो गया था।
उसके बाद ये दोपहर का कुछ 2:45 या 3 का इस तरीके से टाइम हो रहा था, तो मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वो 3:30-4 के करीब आती हैं, तो मैंने सोचा चलो उनके आने से पहले यहाँ पर मैं कपड़े लगा दूँ और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था। थोड़ा आधा घंटा 1/4 घंटा मैं सो भी गई थी क्योंकि खाना ऐसा कुछ बनाना नहीं था, इतना काम नहीं था, बस मशीन लगाई है। उसके बाद में ये शाम को मैं आपसे मिल रही हूँ, यानी कि एस्ट्रो आपसे मिल रहा है। तो आंचल ने इसको नहला दिया था और वही है कि 8 दिन में एक बार नहलाने के लिए डॉक्टर ने बोला है। तो हालत आप देख सकते हैं, पूरा जैसे घूंघट मार लिया था इसने चादर से, उसके बाद हटाया है पूरा, ये चादर इसी की है। तो हम लोग इसको बिछा देते हैं और नहाने के बाद इसी तरीके से जो करता है ना, तो जिनके घर में पेट है ना तो वो नहाने के बाद इसी तरीके से करते हैं। मैंने बहुत लोगों से पूछा है जिन जिनके घर में पेट है। और उसके बाद में बस यहाँ कपड़े धुल गए थे, स्पिन हो गए, तो सारे ही कपड़े सुखा के फिर मैंने मंदिर की लाइट जलाई है जाके, और उसके बाद में फिर थोड़ा बैठ गई थी, चाय तो पी थी मैंने शाम को। फिर उसके बाद में सोच रही थी कि जैसे रक्षाबंधन आने वाला है और मैंने काफ़ी सारे सूट ऑर्डर किए हैं, आपको पता है जब जैसे जैसे आएंगे ना मैं आपको पूरा वेयर करके दिखाऊंगी इकट्ठा। तो बैठ गई थी अपनी जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है ना, सिल्वर, उसको क्या बोलते हैं, जर्मन सिल्वर, तो बस वो हमारे पास कलेक्शन थोड़ा अच्छा है, तो मैं अभी आपको सब डिटेल में दिखाऊंगी कि क्या क्या झुमके हैं। तो मे बी सूट में पेयर अप करके मैं पहन लूँ, जैसा मेरा मन करेगा वैसे पहन लूँगी, तो उसी को ज़रा चेक करने के लिए बैठ गई थी। ये कुछ देख रही हूँ, एक तो मैंने सूट मैंने बहुत सारे ऑर्डर किए हैं, पता है रक्षाबंधन में पहन सकती हूँ, और एक खुशखबरी आपको दूंगी कुछ दिन के बाद में, तो उसके लिए मुझे कुछ पेयर्स की ज़रूरत है। बस इतना बता दे रही हूँ कि बस ट्रैवलिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, बस थोड़ा सा समय है अभी, बट जहाँ कभी लाइफ में सोचा नहीं कि जाना नसीब में है वहाँ जा रहे हैं। तो बस सूट तो मैंने बहुत सारे ऑर्डर किए हैं, फिलहाल एक ही सूट आ पाया है, तो अभी तो पहन के आपको नहीं दिखा रही हूँ, आ जाएंगे ना इकट्ठे तब पूरा सब आपको उसका प्राइस और कितना मुझे डिस्काउंट में मिला, कैसे मिला, क्या फैब्रिक है, सब आपको बताऊंगी। एक से एक A1 सूट मैंने मंगाए, तो वही मैं देख रही हूँ कि रक्षाबंधन में पहनूंगी ना, तो अगर मन किया तो गोल्ड जो पहनी हूँ वो पहनी रहूंगी या कोई और वेयर कर लूंगी, या ज्यादातर जैसे इस टाइप के जर्मन सिल्वर होते हैं ना, ये सब मुझे बड़े पसंद है, तो कुछ जो सूट मंगाए हैं उनमें ये सब अच्छे लगेंगे। ये मेरा और आंचल का दोनों का कलेक्शन है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, और झुमके तो मुझे इतने पसंद आते हैं, आपको सामने से दिखाती हूँ एक बार, है तो बहुत सारे, देखूंगी अच्छा लगा तो रक्षाबंधन में इसी को पेयर करके इन सब में से कुछ भी पहनूंगी, दिखाती हूँ आपको। तो ये सब जो इयररिंग है ना ये बड़ी मतलब सुंदर है, और ये तो इसको क्या बोलते हैं, चांद बाली शायद वही बोलते हैं, तो बड़ी अच्छी लगती है पहन के, स्टोन इसका बहुत चमकता है। और इस तरीके की झुमकी तो ना जाने कितनी हैं, काफ़ी कलर्स हैं, वाइट है, पीच है, और जैसे ये जर्मन सिल्वर जो होता है ये है, तो जो जो सूट मंगाए हैं ना तो उनमें कोई ना कोई तो पेयर अप हो ही जाएगा, और नहीं मन किया तो फिर वो जो गोल्ड का पहनी रहती हूँ वो तो फिर है ही, बट इस बार मन है थोड़ा कि थोड़ा मैच करके पहनूंगी। ये वाली जो इयररिंग है ना ये 2 साल तकरीबन हो गया है मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर करके मंगाई थी, अब तो मुझे याद भी नहीं कहाँ से मंगाई थी, बट इसकी पॉलिश अभी तक नहीं गई है, और ये भी बड़े बाज़ार से ली हुई है, तो ये थोड़ी प्राइस में थोड़ी सी हाई है, बट इसका भी पॉलिश बिल्कुल नहीं गया है। तो इस तरीके से बड़े बाज़ार में कलेक्शन तो बड़ा अच्छा है। रक्षाबंधन से पहले शायद मेरा जाना होगा तो आपको कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी अगर मैं गई तो। तो चलिए बहुत दिन के बाद ही सही एक कलेक्शन जो मेरा है उसको मैंने चेक तो किया, और जो सूट मंगाए हैं कोई ना कोई इयररिंग तो शायद उसमें मैच हो ही जाएगा, ज़्यादा कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है।
तो बस डिनर का टाइम हो गया था और फिर यहाँ से जो कपड़े वगैरह हैं तय बना के रख दिए थे सो ले गई थी रखने के लिए। उसके बाद सीधा मैंने किचन में एंटर किया है डिनर बनाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव।